हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप लोग अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको ये एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा। तो हम लोग दोनों इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपके स्कूल में ही होगा या स्कूल से बाहर होगा, या प्रैक्टिकल कॉपी को आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल के द्वारा आपको इंटरमीडिएट एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं कि न्यूज़ में भी बताया गया है कि इंटरमीडिएट एग्जाम 2021 के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड जो है वह जारी कर दिया गया है। और यहाँ ध्यान दीजिए, बिहार बोर्ड ने प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड के लिए परीक्षा जारी कर दिया और आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 9 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक, मतलब कुल 9 दिनों तक आपकी प्रैक्टिकल की एग्जाम चलेगी। और ये स्कूल डिसाइड करेगा कि आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम किस दिन किस स्टूडेंट को लिया जाएगा। ये जो अक्सर होता है ये रोल नंबर वाइज होता है। तो प्रैक्टिकल को जो परीक्षा है वो कब से 9 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2021 तक चलेगी। और यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स सेंटअप एग्जाम में अब्सेंट होंगे उसका जो है प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो 9 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो जो है आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा, स्कूल के टीचर के द्वारा मिलेगा, क्योंकि आपका जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक के आईडी पर गया है और आपके स्कूल के आईडी पर गया है। तो उससे सिर्फ जो है आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक ही जो है जो डाउनलोड करके आपको दे सकते हैं, वो डाउनलोड करेंगे, उस पर वो अपना साइन मोहर करेंगे, तब जाके वो आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड वैलिड होगा। तो इसका मतलब ये कि आप लोग अपना प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड है वो आपको स्कूल से ही मिलेगा। लेकिन आप लोग, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी पूछना था कि आपके एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा। तो आपके जो एग्जाम का जो सेंटर है, अगर आपके स्कूल में 100 से प्लस स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो है सेंटर आप ही के स्कूल में होगा। अगर आपके स्कूल में 100 से कम स्टूडेंट्स हैं जो इस सारे इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर आपकी सेंटर बाहर के किसी पास के किसी कॉलेज में हो सकती है। ये सब भी बिहार बोर्ड के द्वारा कभी कभी किया जाता है। तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 9 जनवरी 2021 तक ही वेबसाइट पर अपलोड होगा। तो इससे पहले आप लोग अपने स्कूल से जाके आपका अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा 9 जनवरी से पहले। हो सके तो अभी भी आप लोग जाकर ले सकते हैं, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आपके स्कूल के टीचर के आईडी पर जा चुका है और टीचर आपको अब दे भी देंगे। और इससे पहले हम लोग एक वीडियो में चर्चा किए हैं कि आप लोग अपना प्रैक्टिकल का जो कॉपी है वो किस तरह से बनाए या प्रैक्टिकल का कॉपी आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, आई बटन पर क्लिक कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको ये बताया गया है कि आप लोग अपना प्रैक्टिकल का जो कॉपी है वो किस तरह से लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद कॉपी को आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारा गलती हो जाता है। तो एक एक स्टेप आपको बताया गया है, तो आप लोग पहले जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।